नमस्कार, मैं हूं अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से आ रही है। कांग्रेस पदयात्रा 5/9/2020 लाहौर से इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम से शुरू हुई, जिसका पहला विश्राम 19 किलोमीटर ग्राम अजनार में होगा। इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय राहुल भैया शामिल हुए। साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, युवा कार्यकर्ता उपस्थित हुए और हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। तो भैया दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पदयात्रा, यहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो कि पूर्व कांग्रेस मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ पदयात्रा निकाली जा रही है। और ये पदयात्रा निरंतर गांव के होते हुए उन एरियाओं से लेकर गुजरेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन अक्सर यहाँ पर देखा जाता है। डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी के कई क्रियाधवल नेता भी यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के यहाँ अजय भैया भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और ये पदयात्रा में शामिल एक जनसमूह जो देखा जा रहा है, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल स्टेडियम से होते हुए पदयात्रा सीधा एक अजनार गांव है, उस अजनार गांव पर जाकर विशेष विश्राम होगा। उसके बाद फिर ये पदयात्रा निरंतर जारी हो जाएगी, जिसमें यूथ कांग्रेस के भी युवा, कांग्रेस सेवा दल के भी यहां पर जवान अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। और ये यहां समस्त दिग्गज नेताओं के द्वारा विशेष जो पदयात्रा की जा रही है, यहां पदयात्रा में आप किसी भी प्रकार से संपूर्ण तरीके से रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ हजारों की भीड़ दिखाई दे रही है इस पदयात्रा में, जो कि पदयात्रा काफ़ी संख्या में एक युवाओं का हुजूम निकल रहा है। और ये पदयात्रा जो कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ये जो पदयात्रा डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने की है, उसमें नदी बचाओ पर्यावरण संरक्षण ऐसी इस पदयात्रा में कई युवाओं का शामिल होना और गांव के ग्रामीण लोगों को भी विशेष एक रोजगार से जोड़ना है। हमारे पीछे जो काफला चला रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का काफला है, जिसमें कई गांव तक ये पदयात्रा निकली है, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह जी विशेष उस पदयात्रा में शामिल हैं। उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। सर सर बताएं, जो पदयात्रा है अपनी, ये किस गांव तक चलेगी और कितने दिन तक ये निरंतर लगातार हमारे नदी बचाने के लिए, रेत माफियाओं को भगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नदियों को खोखला किया जा रहा है। शिवराज सिंह के सहयोग से, शिवराज सिंह की मदद से मुख्यमंत्री जी से अनेक बार अनुरोध करने के बाद जब नहीं सुना, तो मैंने जन जागरण के लिए किसान मजदूर नौजवान साथियों के साथ जो पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यात्रा लाहौर से चलकर 3 दिन में भिंड पहुंचेगी, चंबल तक जाएगी, 7 दिन चलेगी और अंतिम 11 सितंबर को सोरा में सिंध नदी के किनारे यात्रा समाप्त होगी। विशेष सर, जो आपकी पदयात्रा है, इसमें करीबन 15 किलोमीटर के बाद में विश्राम करने के लिए कहां पर जगह मुकर्रर? 19 किलोमीटर पर पड़ रहा है, चाहे रात का मुकाम होगा नदी के किनारे, जी सिंध नदी के किनारे होगा। 6 सितंबर को हाजी माँ के मंदिर पर अड़ोखर के आगे होगा, 3रे दिन भिंड में होगा, 4थे दिन चंबल के किनारे होगा बरही में, और 5वें दिन रौन में आके रुक के आएगी, फिर 2 दिन यात्रा दतिया जिले में होगी। विशेष सर, जो इस पदयात्रा का जो उद्देश्य है, विशेष उद्देश्य पर्यावरण के लिए क्या कहना है आपका? पर्यावरण ही मुख्य उद्देश्य है। जब नदी की रेत नहीं बचेगी तो पानी नहीं बचेगा, पानी नहीं बचेगी तो जीव जंतु नहीं बचेंगे जो पानी को शोधन करते हैं। इसके बाद इसके अलावा पर्यावरण बिगड़ता, पेड़ आसपास के हरियाली ख़त्म होती है, और नदी को बचाने का पुण्य काम है जो प्रारंभ किया हमने, हमारे साथियों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जयसी राम जी के नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं। विशेष सर, जो इस पदयात्रा में काफ़ी लोगों का आना है, एक यहाँ दिनों से रेत निकाली जा रही है सिंध नदी की छाती के अंदर से, पूरा रेत समाप्त हो गया, जिससे पिछले 7 वर्षों में 40 से 50 फुट पानी
सिंध के दोनों किनारे और चंबल के किनारे समाप्त हो चुका है, नीचे जा चुका है। इसको बचा आगे में आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना है हम सबका दायित्व है, नहीं भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमने ये सामाजिक गैर राजनीति हमारे कांग्रेस के साथी सब हैं, लेकिन हमने इसमें अन्य जो भी सहयोग करना चाहे, जो भी दल इस पानी को पर्यावरण को बचाना चाहते हैं वो इसमें शामिल करें, उनका हम स्वागत है, शामिल हो। विशेष रूप से बताया जा रहा है कि ये जो कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जा रही है, इस पदयात्रा में 27 विधानसभाओं के जो चुनाव होना है क्या उनका भी कोई मुद्दा है? जिनका सोच पूरी तरह से गंदा है, ये लोग इनका केवल राजनीति और भ्रमित करने के आधार पर राजनीति करते हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं। ये यात्रा अगर हमें करना होती तो जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हैं उन क्षेत्रों में ही करते, केवल महगाँव का कुछ गांव आते हैं, बाकी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी यात्रा हो रही है वहाँ एक भी विधानसभा का चुनाव नहीं है। इसलिए हमारा ये राजनीतिक उद्देश्य न होकर सामाजिक है, लोगों को जीवन बचाने का उद्देश्य है, नौजवानों का भविष्य का उद्देश्य है, पर्यावरण बचाने का उद्देश्य है। जैसे सर तेज काफ़ी धूप है और ऐसी तीखी धूप में भी आपका स्वास्थ्य कई हद तक गड़बड़ा भी सकता है। अच्छे काम के लिए, पवित्र काम के लिए चलेंगे तो कहीं कोई स्वास्थ्य गड़बड़ाता नहीं है। जब गलत काम करते हैं भावना दूषित होती है तब ईश्वर साथ नहीं देता, और हमारे साथ डॉक्टर राधे श्याम जी हैं, वो बड़े डॉक्टर हैं, हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देख रहे हैं। तो यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ खुद स्वयं डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा है कि अगर उनका स्वास्थ्य कहीं भी गड़बड़ाता है तो वो अच्छे कामों के लिए उनके स्वास्थ्य में भी विशेष वो किसी प्रकार से अपनी संपूर्ण तरीके से बात रखेंगे। जहाँ तक कई कांग्रेसी कार्यकर्ता इस भीड़ के अंदर जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर युवा लोग भी हैं, युवा यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं, जिनका जोश सिर्फ पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विशेष यहाँ उनका नदी बचाओ आंदोलन जो देखा जा रहा है, इस नदी बचाओ आंदोलन का उद्देश्य यही है कि हम अपने आसपास के जो गांव हैं उन गांवों में संपूर्ण तरीके से अपनी उपस्थिति जो गांव के लोगों की है उन गांव के लोगों की फसल पर देखें, जिससे कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे और हम अपने आप में भी सुरक्षित रहें। तो ये पहला पड़ाव जो कि आज शुरू हुआ है, 5 तारीख से जो पहला पड़ाव शुरू हुआ है, इस 5 तारीख के बाद ही निश्चित तौर पर जो आप देख रहे हैं इस पहले पड़ाव को, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम से जो शुरू हुआ है, वो इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होते ही आज ये गांव अजनार पर जाकर एक विश्राम की बात रखी जाएगी, जिसी के साथ ही आगे के आपको दृश्य दिखाते रहेंगे पदयात्रा के, जिसमें आज मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे अजय भैया जी यहां शामिल हुए हैं। विशेष प्राइम न्यूज़ 24 से इमरान अली खान, जिला प्रमुख भिंड।